साथ ही रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का लखनऊ दौरा। लखनऊ रवाना होने से पहले सीएम भूपेश का बयान, प्रदेश में ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश का बयान, कोई वर्ग बचा नहीं है जिसके यहां ईडी ने छापा नहीं मारा हो। भाजपा शासित राज्यों में ईडी छापा क्यों नहीं मारती, लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है, ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। एक बड़ा बयान ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बता दो, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जहां भाजपा की सरकार है वहां पर ईडी छापा क्यों नहीं मारती है, क्या वहां पर ईडी के ऑफिस नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा। विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जो यहाँ छापा न डाला। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी, और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं।